मुकेश भाई क्या बना रहे हो? समोसा बना रहे हैं। यार बात है, आज तो समोसा पार्टी है। सबसे पहले ऑयल के अंदर क्या डाला मुकेश भाई? मैंने साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया, हरी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, प्याज, पुदीना, पुदीना है यहाँ पे, हरी प्याज की लीव्स है, वो सब ले लिए है। और ये है मटर, यानी कि मटर के समोसे, आलू मटर के समोसे। समोसे के अंदर का जो मावा होता है वो तैयार हो रहा है। ये देखे यहाँ पे पहले से मुकेश भाई ने आलू को उबाल के यहाँ पे क्रश करके उसका मावा तैयार किया है और वो अंदर डाल दिया है अभी। मतलब सबसे पहले ऑयल, उसके अंदर ऑनियन, जीरा, पुदीना, जीरा, धनिया, गार्लिक, ये सब फ्राई कर लिया, मटर डाले उसके अंदर और उसके बाद उबले हुए आलू का मावा डाला। तो ये अभी समोसे के अंदर का इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुका है। देखिए मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है पूरा, फिर उसके बाद उसके अंदर धनिया डालना है। वाह, बहुत ही तगड़ी स्मेल है फ्रेंड्स। मुकेश भाई ना ही फुटबॉलर है, वो साथ में अच्छे कुक भी है, तो हर संडे कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। पहले मैं कुक था, अभी मुकेश भाई कुक है। जी मैदा यहाँ पे और उसके हिसाब से ये मसाला तैयार किया है यहाँ पे। इसके अंदर हम थोड़ा सा अजवाइन मिलाएंगे। ये देखिए अजवाइन, ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, आपका पेट साफ रहता है। तो समोसा के अंदर ये डालने से आपको एक अच्छा टेस्ट तो मिलेगा लेकिन हेल्थ के लिए भी अच्छा है अजवाइन। तो यहाँ पे हमारा घी जो थोड़ा सा गर्म हो चुका है। वाओ फ्रेंड्स, देखिए ये तगड़े वाला धमाका इधर होने वाला है। देखिए तकरीबन 200 नहीं, मेरे ख्याल से 250 से ऊपर घी डाल दिया हमने। मुझे लगता है हमें पानी की ज़रूरत ही नहीं है, घी में समोसे खाएंगे आज। इस तरीके से घी और अजवाइन को मैदे के अंदर डाल के हम लोग यहाँ पे इसका बैटर बना रहे हैं। स्पून यहाँ पे नमक एक, और ये देखिए छोटी सी हमारी ये चम्मच दो, सही है। और इसको आटे की तरह नहीं गूंदा जाता है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। इसको आटे की तरह नहीं गुना जाता है, इसको ऐसे हल्के हाथों से जस्ट आपको मिलाना है। अजमाइन घी और आटे को सिर्फ और मिलाना है आपको, ना कि इसको गुनना है। देखिए अगर पानी भी मिला सकते हैं इसमें, थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। फ्रेंड्स पूरा डब्बा हमने डाल दिया 500 ग्राम का, तो ये बजट बाहर के समोसे हो चुके हैं। आप इसकी जगह पर तेल यूज़ करेंगे, हम बैचलर है, अफ्रीका के समोसे थोड़े महंगे वाले समोसे हो गए, आप ऑयल डालिएगा प्लीज़। ये डब्बा ख़त्म हो चुका है 500 ग्राम का। एक केजी आटे के अंदर 500 ग्राम घी ख़त्म। ये हमारा यहाँ पे समोसे का लेयर तैयार हो चुका है और उसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे और उसको रोटी की तरह बेल के उसके अंदर हम ये मावा भरेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। तो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है। अभी उस गोले को इस तरीके से रोटी की शेप के अंदर आपको गोल गोल बेलना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए देखो ऐसा रोटी की तरह बेल के उसको इस तरीके से शेप देना है फ्रेंड्स। देखिए और उसमें फिर समोसे का, इसके अंदर ये समोसे का जो मावा बनाया है हमने वो भर देना है। वाव, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे समोसे 3 साल में पहली बार। वाव, ये हमारा समोसा बन चुका है और इसको हमें फ्राई करना है। तो ये है समोसे, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, घर पे ट्राई मारिए। बैचलर फ्रेंड्स जो कॉलेज में रहते हैं, गुड बुकू वो। तो ये हमने समोसा डाल दिया है यहाँ पे फ्राई करने के लिए, ये समोसा फ्राई हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स जो शेप आया है समोसे का, वाव क्या शेप है। ये देखिए हमारे जैसे हरे भरे समोसे, खा पी के सुखी। ये देखिए वाव, तगड़े वाले समोसे तैयार हो रहे हैं। हमारे आज का संडे का नाश्ता बहुत ही बढ़िया होने वाला है फ्रेंड्स।